नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो दिनांक है 2 मई दिनांक है, आज का मुकाबला बहुत ही बढ़िया होने वाला है, रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में यह मुकाबला खेला जाने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी टीम आज जीत सकती है, कौन सा प्लेयर आज चल सकता है, किस टीम के किस खिलाड़ी को आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, यह बताने वाले हैं। लेकिन साथ में यदि आप चैनल को पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच का प्रिडिक्शन जल्दी मिल जाए, कुछ मिनट पहले ही मिल जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इस भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। काफी अच्छा काम है इनका, अच्छी प्रिडिक्शन देते हैं। आप इनसे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो मैच की प्रिडिक्शन जानने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है, दिन की बात कर लेते हैं। आज का दिन है सोमवार, 2 मई दिनांक है। पहले भाग्यांक निकाल लेते हैं। 2 मई 2022 के हिसाब से आज का भाग्यांक निकल के आता है 4। जी हाँ, 4 निकल के आता है। अब देखिए दिन क्या है, सोमवार है। दो टीम है, एक तरफ है केकेआर और एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स। केकेआर की बात कर लेते हैं, कन्या राशि है, मिथुन राशि है और बुध स्वामी है। यह बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तुला राशि है, शुक्र स्वामी है। बुध और शुक्र दोनों ही शत्रु है किसके, सोम के यानी कि चंद्रमा के। लो स्कोरिंग मैच आज का हो सकता है, अबाउट 140 to 160, 140 से 160 के बीच में टारगेट मिल सकता है, स्कोर बन सकता है। अब यदि बात करें कप्तानों की, क्योंकि देखिए इसमें दोनों को नेगेटिव पॉइंट चला गया, अब बात करते हैं कप्तानों की, तो श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन। श्रेयस अय्यर संजू सैमसन एक ही राशि, एक ही स्वामी है, शनि स्वामी है, बट अगेन शनि चंद्रमा आपस में शत्रु है, दोनों को नेगेटिव मार्क जाता है। चलिए अब यहाँ पर भी नहीं बनी बात, अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे हम न्यूमरोलॉजी पे। श्रेयस अय्यर का भाग्य अंक 5 है, वहीं हमारे जो कप्तान संजू सैमसन है इनका भाग्य अंक 9 है। 5 न तो 4 का मित्र है, 9 न ही 4 का मित्र है, अगेन दोनों टीमों को एक नेगेटिव और चला गया, दोनों टीमों के पास में 3-3 नेगेटिव हो गए। अब फाइनल प्रेडिक्शन हमारा क्या रह सकता है। एक और बात दोस्तों बता दूं कि आप यदि हमारे वीडियो को देख करके निवेश करते हैं तो प्लीज अपने रिस्क पे करिए, अपनी जिम्मेदारी पे करिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, मात्र प्रेडिक्शन देते हैं और कभी कभी प्रेडिक्शन गलत भी होता है, बट ऑलमोस्ट ज्यादातर मैक्सिमम टाइम हमारा प्रेडिक्शन सही भी होता है। अब बात करते हैं हमारे प्रेडिक्शन की कि जीत कौन सकता है। देखिए अब दोनों टीमों को आ गया है 3 नेगेटिव, तो कहना बड़ा ही मुश्किल रहेगा, मैच बड़ा ही फंसा हुआ हो सकता है, यूं कहें तो कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ मैच दोनों टीमों के फेवर में आ सकता है, बट एट द एंड लास्ट में कौन सी वह टीम होगी जो इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार यह मुकाबला जीत सकती है। जी हाँ, प्रबल योग है केकेआर के जीतने के, क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन योग है केकेआर के जीतने, ग्रह गोचर के हिसाब से, ठीक है, ग्रह गोचर के हिसाब से केकेआर के योग, जीतने के योग इस मैच में अच्छे बनने वाले हैं। अब बात करते हैं टॉप पिक की, फेवरेट प्लेयर हमारा कौन सा आज चल सकता है। यदि बात करें हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो इस बार दोस्तों हम चूज करने वाले हैं संजू सैमसन को। जी हाँ, संजू सैमसन, रवि अश्विन को हम आज चूज कर लेते हैं। और एक और बार फिर से दोस्तों हम आज चूज करने वाले हैं देवदत्त पड्डीकल को, संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल और रविचंद्रन अश्विन को। एक और बात है, यजुवेंद्र चहल भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 4 प्लेयर हम चूज कर लेते हैं। यदि बात करें हम इस केकेआर की, तो केकेआर से आज हम पिक कर लेते हैं आंद्रे रसल को। जी हाँ, आंद्रे रसल को आज हम पिक कर लेते हैं। इसी के साथ हम पिक करने वाले हैं केकेआर नीतीश राणा को, नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और उसके बाद हम पिक करने वाले हैं केकेआर के, यदि ओपनिंग में आते हैं, ओपनिंग में हम पिक कर लेते हैं, चलिए श्रेयस अय्यर को आज पिक कर लेते हैं, ठीक है, श्रेयस अय्यर को आज हम पिक कर लेते हैं। इसके बाद नीतीश राणा को पिक कर लेते हैं और आंद्रे रसल को भी हम पिक कर लेते हैं। तो यह हमारे हो गए फेवरेट प्लेयर, आपके कौन से प्लीज बताइए, और साथ ही वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।